वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के हम इस वीडियो पे हेलिकल स्प्रिंग को क्रिएट करेंगे इन सॉलिड वर्क्स। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे फाइल, देन न्यू पार्ट। डिजाइन ट्री से हम कंप्लेन सेट करेंगे, देन स्केच करेंगे। इसके ऊपर स्प्रिंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सर्कल लेंगे सेंटर से, देन डायमेंशन देंगे 96। ओके, सो एस्केप, हम स्केच आउट करेंगे। स्केच आउट करने के बाद हमें यहाँ पे रिबन बार टूल बार पे हमें कर्व मिलता है। कर्व के नीचे कमांड हमें स्प्रिंग एंड वी हैव टू सेट पिच, पिच इज वेयर वी गिव द पिच 24। ओके, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। रेवोल्यूशन, हमने कितनी रेवोल्यूशन देनी है अपने स्प्रिंग को, मतलब कितनी लेंथ तक, कितनी लेंथ चाहिए, हम यहाँ पे 10 देंगे। ओके, यहाँ पे रेवोल्यूशन होंगे क्रिएट। यहाँ पे अगर हम रेवोल्यूशन 20 देते, 20 देते हैं, तो ये स्ट्रिंग और लंबी हो जाती है। ओके, सो हम 180 डिग्री एंगल पे रोटेशन दे रहे हैं, तो स्टार्ट एंगल हम स्टार्ट, अगर हम चाहे तो 90 दे सकते हैं। ओके, चाहे तो 120 दे सकते हैं, यहाँ से हमें एंगल देंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पे एक रेफरेंस टाइप मिल जाएगा। ओके, कि जो भी हमारी स्प्रिंग होगी इसी पोर्शन पे मिलेगी। सो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रेफरेंस लेना है, टेक रेफरेंस एंड प्लेन। ओके, ये ऑटोमेटिक चूज कर लेगा आपके पार्ट को स्प्रिंग के, और बस हमें पॉइंट देना है यहाँ पे, किस पॉइंट पे हमने स्केच को ड्रॉ करना है। ओके, मैं यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो गया यहाँ पे, और हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ओरिजिन से। तो यहाँ पे हम जो एक्स की डायरेक्शन है उसे जीरो कर देंगे, ताकि हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन में सेट हो जाए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिन में हो गए। तो अब हम यहाँ से हम डायरेक्ट डायमेंशन करेंगे, इसकी डायमेंशन है 8। ओके, सो अब हम फीचर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें स्विफ्ट कमांड को क्लिक करना है, और हमें स्केच को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट जो स्केच है प्रोफाइल की, उसे सिलेक्ट करना है। ओके, और हमें सेकंड वाली पार्ट, किस पार्ट में हमने स्प्रिंग को बनाना है, हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे, ये रेफरेंस शो करा देगा कि हमारी स्प्रिंग कैसे बनी है। ओके, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्रीव्यू देगा यहाँ से हमें। ठीक है,
और यहाँ पे हम अपनी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ओके सो तो हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है हमारी। हम इस लाइन को, इस प्लेन को हाइड कर देंगे बाय राइट क्लिक ऑफ माउस एंड देन हाइड, और हम इस लाइन को भी हाइड कर देते हैं। नाउ हमारी स्प्रिंग क्रिएट हो चुकी है। ओके हम देखेंगे, सबसे पहले हमने ओरिजिन पे, उसके बाद हमने क्या किया, प्लेन दिया, प्लेन दिया, उसके बाद हमने शिफ्ट कमांड किया। ओके हम हमारी जो जो भी जो भी रिक्वायरमेंट थी या हमने जो भी कमांड यूज करी डिजाइन टी पे ऐड हो चुकी है। अब हम चेंजेस करना चाहे अपनी स्प्रिंग पे, हम चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस। हमने अगर स्केच पे हमने स्केच करना है, मान लो इसकी डाया कम कर देंगे हमने, मान लो यहाँ पे हमने डाया कर दी 80। ओके तो हमने सिर्फ ये कह दिया 80 और स्केच आउट कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की डाया चेंज हो चुकी है। बाकी वैसे ही स्केच को चेंज कर सकते हैं हम राइट क्लिक करके यहाँ पे स्केच पे जाके। ओके सो थैंक यू।